नमस्कार, हेलो। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस का दामन थामा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। सर, कितनी बड़ी फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार के पार्टी में शामिल करने से? ये तो समय बताएगा कि हमको क्या फायदा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ जो जेएनयू के छात्र नेता रहे हैं, पूरे देश में उनका रिकॉग्नाइजेशन है, लोग जानते हैं। आला कमान ने उन्हें अपने पार्टी का सदस्य बनाया है, जी, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इससे फायदा होगा। बिहार में उनको जिम्मेदारी देने की तैयारी है केंद्र स्तर पर, क्योंकि लगातार उनको अटकलबाजी हो रही है। बिहार में उनको जवाबदेही मिलेगी या केंद्र में उनकी जवाबदेही मिलेगी, ये हमारा निर्णय आला कमान लेगी। और आला कमान किस व्यक्ति को कहाँ उपयोग करना चाहिए, वो निर्णय आला कमान का होता है, और जो भी आला कमान निर्णय लेगी हम लोग उसका स्वागत एक करेंगे। सवाल है सर, आरजेडी कन्हैया कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र का कहना है कि कौन है कन्हैया कुमार वो नहीं जान रहे हैं। कोई आवश्यक नहीं हो, जो सब बहुत से लोग मेरे पार्टी के अंदर भी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। हो सकता है भाई वीरेंद्र जी सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, हो सकता है उनको कन्हैया कुमार जी से परिचय नहीं हो इसलिए बोले होंगे हम नहीं जानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं राजनीति में, दल के भी और दल के बाहर भी, जिनको हम नहीं जानते, तो हम चाहे पूछिएगा तो हम कहेंगे हम नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये थोड़े हुआ जो उनको डिस्काउंट कर दिए, ऐसी बात नहीं। दो सीटों पर सर उपचुनाव होना है, आरजेडी दोनों सीट पर दावा ठोक रही है, क्या कांग्रेस भी लड़ना चाह रही है एक सीट पर? कांग्रेस पार्टी का वो सीट है जी, कुशेश्वर स्थान, और दावा ठोक रही है। कौन आपको बताया, किनका बयान है जो दावा ठोके हैं? आपस में बात होना अलग बात है। कोई हमारे सीनियर लीडर हों आरजेडी के, वो अपनी राय रख दें, कोई वहाँ के उम्मीदवार हैं वो अपनी राय रख दें। मेरे पास कोई आएंगे और कहेंगे तारापुर से हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ मेरा निर्णय हो गया। निर्णय तो यहाँ हमारा आला कमान लेंगे, वहाँ तेजस्वी जी लालू जी लेंगे, मतलब तो ऐसी कोई निर्णय का जानकारी तो है नहीं। कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस का सीट है, तैयारी कोई कांग्रेस का और आरजेडी का नहीं होता है, वो होता है गठबंधन का। कोई सेपरेट तैयारी की बात हम नहीं कहते हैं। महागठबंधन का सीट रहा है, वहाँ से कांग्रेस लड़ी है, यहाँ से आरजेडी लड़ी है, और जो भी तैयारी होगा महागठबंधन मिलजुल कर करेगा और पूरे मुस्तैदी से चुनाव एक लड़ेगा। आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान को आप लोग चाहेंगे कि दोनों सीट पर समर्थन करें आप लोगों को? अगर वो समर्थन करते हैं तो उनका स्वागत है। तो ये थे हमारे साथ मदन मोहन झा जी, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।